भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रविदास नगर दुधैला में तीन बच्चे की मां पति व बच्चों को छोड़कर घर से फरार हो गई। मामले में नगर परिषद सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रविदास नगर दुधैला के रहने वाले सोनू दास ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा है कि हिंदू रीति रिवाज के साथ 4 अप्रैल 2017 को शाहकुंड प्रखंड के पचकड़िया गाँव में सुनीता कुमारी से शादी हुई थी। 3 अप्रैल 2024 को घर में बिना बताए तीन बच्चों को छोड़कर वो घर से फरार हो गई है। पूरे परिवार में खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सुल्तानगंज थाने में लिखित आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए लापता विवाहिता की बरामदगी में जुट गई है। मेरा पत्नी था, वो हम दिन सोए थे, वो चला गया छोड़कर। कब? कल सुबह में 7 बजे। कल क्या तारीख था? 3 तारीख। 3 तारीख को? हाँ। क्या बजे? 7 बजे। पत्नी का क्या नाम है? सुनीता देवी। कब हुआ था शादी? 2017 में। कहाँ हुआ था शादी? पचकठिया। कौन पचकठिया? शाकुंड पचकठिया। वही शादी हुआ था? हाँ। तो हिंदी रीति रिवाज के साथ? हाँ। कितना बच्चा है? 3 बच्चा। बच्चा कहाँ है? 3 वर्ष सामने में। आप पत्नी? पत्नी नहीं है, छोड़ के चला गया। छोड़ के भाग गया? भाग गया गुस्सा से। हाँ। हम आवेदन दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। भागलपुर में नौलखा के समीप सड़क पर एम्बुलेंस और टेम्पो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तब हुई जब यात्री सवार टेम्पो भागलपुर स्टेशन से सबौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान नौलखा के समीप तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टेम्पो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में टेम्पो का आधा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, तो वही एम्बुलेंस भी बाईं ओर से क्षतिग्रस्त हो गई। इस टक्कर में टेम्पो पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं चालक भी घायल है। दोनों घायलों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। तो वहीं मायागंज अस्पताल में घायलों का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। इसी आधार पर इस घटना की आगे की जाँच की जाएगी। उल्टा साइड से एम्बुलेंस वाला आया, आके ठोक दिया, ब्रेक पर कंट्रोल नहीं किया और हम सीधा साइड से जा रहे थे, ऐसा हमारा पूरा गाड़ी इस साइड उल्टा साइड हो गया। कितना लोग था गाड़ी? गाड़ी में 5 लोग थे, हम लगा के 4 पैसेंजर था और एक हम थे। क्या कुछ हुआ? 3 लोग का घायल हो गया, चौथा में हम, एक लोग ठीक था। कहाँ गए वो लोग? कहाँ का ही नहीं पता। कहाँ गए वो लोग? वो लोग तो मायागंज गए। एम्बुलेंस वाला? एम्बुलेंस वाला ही मायागंज गया, लोकल गाड़ी है। लोकल गाड़ी? हाँ, मायागंज का गाड़ी है। इधर से आ रहे थे? हम उधर से जा रहे थे, भागलपुर से आ रहे थे, सबौर जा रहे थे, उल्टा साइड से आ रहा था तिलका माझी। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर खैरा की सीमा पर साहिब कोठी भैयार में 20 वर्षीय अज्ञात युवती का छत विच्छत अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा शव की सूचना मिलते ही सजौर थाना प्रभारी सूरज सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या संबंधित मामले को लेकर सजौर पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पूर्व युवती को किसी धारदार हथियार से काटकर पूर्व खैरा के बीच सीमा पर साहेब कोठी के सुनसान बिहार में छत विचत अवस्था में फेंक दिया गया था। वहीं सब को देखने से पता चलता है कि साक्ष्य को छुपाने का भी प्रयास किया गया है। वहीं लोगों ने दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या करने की आशंका जताई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भीषण गर्मी को देखते हुए भागलपुर के सदर अस्पताल में लू वार्ड बनाया गया है। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले एक सप्ताह से भागलपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल में 10 बेड का वातानुकूलित लू वार्ड बनाया गया है, जहां पर्याप्त मात्रा में दवाई के साथ 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश आया है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 बेड का अलग से एक लू वार्ड बना रखा है और लू वार्ड में हमने यहाँ पे एसी लगा रखा है जो कि 24 आवर यहाँ पे एसी चलती है। बाहर से अगर मरीज आता है तो यहाँ पे अलग से डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे अलग से दवा की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने लू के लिए। जिस भी तरह की दवा की जरूरत होती है वो दवा यहाँ सब पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी हमारी पर्याप्त मात्रा में है। अभी हमारे यहाँ अभी फिलहाल अभी एक पेशेंट एडमिट है। प्रीवियसली पिछले सप्ताह में 2-3 पेशेंट आए थे तो यहाँ से स्वस्थ होकर के चले गए। कितने बेड का ये टोटल अभी 10 बेड का हमने अभी बना रखा है। जरूरत पड़ने पे इसको और बढ़ाया भी जाएगा। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर हसनपुर स्थित बच्चों के पैंपर्स गोदाम में भीषण आगजनी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आगजनी की घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पैंपर्स गोदाम में लगी आग देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे गोदाम में रखी लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों की माने तो अचानक धुआं उठता देखा उन्होंने इसकी जानकारी गोदाम मालिक और स्थानीय पुलिस के साथ साथ अग्निशमन दस्ता को दी। वहीं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह घटना लापरवाही का नतीजा प्रतीत हो रही है। सूचना अपने छत पे गए थे तो देखे धुआं निकल रहा है तो आदमी से आवाज दिए, ये बगल का भी खबर दिया कि भैया तुम्हारा बगल में सामान है तुम बगल करो। उसके बाद में उसने अपना फोन किया था। इस एरिया का क्या नाम पड़ता है? यह पड़ता है हसनपुर पड़ता है। केयर ऑफ मै स्कूल। पहले सूचना किनको दिए थे आप? पहले क्या था बबरगंज थाना, उसके बाद में गया 112 थे, उसके बाद गया फायर ब्रिगेड। अभी तो आग बुझा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट दृष्टया तो लगता है कि कोई लापरवाही से आग लगा है, लेकिन विस्तृत तब इसको देखेंगे हम लोग तो उसके बाद बताएंगे। पहले तो हम लोग आग बुझाना के काम कर रहे हैं। पहले आग बुझ जाए उसके बाद बाकी चीज़ें विचार की जाए। आग पे तो काबू पा लिया गया सर? लगभग तो पा लिया गया, लेकिन चूंकि कचरा है, रुई का गोदाम है और सब कचरा का गोदाम है तो इसमें अभी धुआं निकल रहा है। जब तक इसको कम्प्लीट नहीं बताया जाएगा तब तक पूर्ण रूप से काबू कैसे कहा जा सकता है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के आदर्श ग्राम खनकिता में 8 दिवसीय 5 कुंडीय महारुद्र यज्ञ आयोजित होने वाली है। बताते चले कि सर्वांगीण विकास और विश्व कल्याण हेतु आदर्श ग्राम खनकिता में दूसरी बार यज्ञ आयोजन अनंत श्री विभूषित ब्रह्मऋषि योगी राज श्री देवराहा बाबा के शुभ आशीर्वाद से महात्मा अयोध्या दास शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। प्रतिमा निर्माण, रंग रोगन, ध्वजारोहण, मंडप निर्माण आदि कार्य अंतिम चरण में है। वहीं कलश शोभा यात्रा 11 मई को निकाली जाएगी। यज्ञ 12 मई से होगी और समापन 20 मई को निश्चित की गई है। यज्ञ में गुरुधाम के अनेक विद्वान पंडितों के द्वारा हवन व देवताओं को प्रसन्न करने हेतु आहुति दी जाएगी। इस दौरान रामलीला व रासलीला के साथ श्रीमद भागवत कथा ज्ञान का भी आयोजन होगा। देखिए यहाँ पर यज्ञ अभी 12 तारीख जो आ रहा मई से, इसी में रुद्र महायज्ञ का पंचकुंडात्मक कार्यक्रम है। झंडारोहण का कार्यक्रम बहुत पहले हुआ था और उसी की सारी तैयारी चल रही है। मैं भी अयोध्या से आज ही यहाँ पर आ पाया हूँ और प्राय करके मूर्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है। मूर्ति जो स्थापना होना है, जगशाला भी बन करके बिल्कुल अंतिम चरण में है, इसका भी कार्यक्रम, पंडाल भी बन रहा है और इस यज्ञ में दूर दराज से कई तीर्थों से संत महापुरुषों का भी आगमन इसमें होने वाला है। आचार्य वैदिक मंत्रों के द्वारा जो है इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। कौन होगा
और इस हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और भारत की खुशी के लिए, राष्ट्र की खुशी के लिए, समाज के उत्थान के लिए यज्ञ जो है हमारे प्राचीन परंपरा से ये कार्यक्रम होता रहता है और अन्न से ही सारा पालन पोषण सारा दुनिया का होता है। सामग्री आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, वैभव कितना भी कर लीजिए, लेकिन भोजन जरूरी है, भोजन सभी को करना है। और देवता जो इंद्र देवता हैं, सभी देवताओं के ऊपर इंद्र देवता है, जो यज्ञ के द्वारा आहुति दी जाती है देवताओं के नाम से, सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उन आवाहन के द्वारा देवताओं की आहुति दी जाती है तो प्रसन्न होते हैं। तो समय समय से बारिश होती है जिससे इस धराधाम से पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होते हैं और उसी अन्न से पोषण होता है पूरे विश्व का, संसार का। इसलिए यज्ञ की महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बहुत भारी बताई गई है, इसीलिए यज्ञ किया जाता है। और साथ साथ यज्ञ में देखिए सभी देवताओं का आह्वान होने से इनका पूजा हो जाता है, इसका परिक्रमा करने से पब्लिक को लाभ होता है, पब्लिक इस यज्ञ के माध्यम से पूरे समाज को एक मंच पर आने का अवसर मिलता है, सभी लोग अपने भेदों को भुला करके और एक जगह एकत्रित होकर समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए, ये भी एक बड़ा सुंदर यज्ञ माध्यम है।